हाय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे और अपना बेहद ही ख्याल रख रहे होंगे। आज इस बहुत छोटे से वीडियो में आपका स्वागत है। इसमें हम क्लास 10 के बहुत ही रोचक और इंटरेस्टिंग लेसन फुटप्रिंट्स विदाउट फीट, जिसके राइटर हैं एच जी वेल्स, के मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। क्लियर? आइए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। How did the invisible man become visible? How means कैसे? Invisible means अदृश्य, man आदमी, become माने होता है, दृश्य यानी कि लोगों को दिखाई देता है, visible कैसे हुआ वो? When जब the invisible man अदृश्य व्यक्ति, किसकी बात हो रही है? Griffin, जी हाँ, जो मिस्टर इंडिया है इस कहानी का, man wore shoes, उसने पहने जूते, an overcoat, एक overcoat पहना, and a white brimmed hat, एक सफेद रंग का किनारीदार हेड पहना बड़ा सा, in a big London store, लंदन के एक बड़े स्टोर में क्या हुआ? He became, वो हुआ a fully dressed, पूरी तरह से कपड़े पहना हुआ व्यक्ति, and a visible person, एक व्यक्ति जो सबको दृश्य हो रहा था या दिख रहा था, because वो अंदर से यानी उसकी बॉडी कहीं दिख नहीं रही थी, तो जो कपड़े पहनता था लोगों को वही कपड़े दिखते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई वाज ही वांडरिंग द स्ट्रीट्स, वह गलियों में क्यों भटक रहा था? आइए बताते हैं। ग्रिफिन वाज अ लॉलेस पर्सन, ग्रिफिन एक ऐसा व्यक्ति था जो पूरी तरह से एक असामाजिक किस्म का आदमी है, जो किसी नियम कानून को नहीं मानता है। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम, जिस घर में वो रहता है वो मालिक उसे पसंद नहीं करता। इन रिवेंज, बदले में ही सेट फायर टू द हाउस, उसने घर में आग लगा दी। टू गेट अवे विदाउट बीइंग सीन, बिना दिखे वहां से बचने के लिए उसे क्या करना पड़ा? ही हैड टू रिमूव हिज क्लॉथ्स, उसे अपने कपड़े हटाने पड़े। जब सारे कपड़े हट जाएंगे बॉडी उसकी दिखेगी नहीं, तो वो अदृश्य इनविजिबल हो जाएगा। सो ही वाज वॉन्डरिंग इन द स्ट्रीट्स, इसलिए वो गलियों में भटक रहा था। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 3। व्हाई डज मिसेज हॉल फाइंड द साइंटिस्ट एक्सेंट्रिक, मिसेज हॉल जो उसकी मकान मालकिन थी, उन्होंने उस साइंटिस्ट को एक सनकी स्वभाव का व्यक्ति पाया। कैसे? मिसेज हॉल फाइंड्स द साइंटिस्ट, मिसेज हॉल पाती हैं वैज्ञानिक को एक्सेंट्रिक, एक सनकी मिजाज, बिकॉज क्योंकि ऑफ हिज अनकॉमन अपीयरेंस, उसका जो वेश था, जो लुक था, पहनावा था, वो साधारण नहीं था। एंड स्ट्रेंज हैबिट्स, और उसकी आदतें भी बड़ी अजीब थी। शी मेड एवरी एफर्ट, मीन्स प्रयास, उन्होंने हर प्रयास किया टू बी फ्रेंडली विद द साइंटिस्ट, वैज्ञानिक से मित्रवत होने का, उससे दोस्ताना संबंध रखने का। बट ही टोल्ड हर, लेकिन उसने उनसे कहा, दैट ही डिड नॉट वॉन्ट, कि वो नहीं चाहता है टू बी डिस्टर्ब्ड, किसी तरह से व्यवधान इन हिज वर्क, अपने काम में। ही हैड एन इरिटेबल टेम्पर, उसका जो मिजाज था, स्वभाव था, बहुत ही जल्दी चिड़चिड़ा हो जाना या गुस्से में आ जाना था। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट क्यूरियस एपिसोड ऑकर्स इन द स्टडी, स्टडी रूम में उसके मकान मालिक के कौन सा वो रोमांचकारी या अद्भुत घटना घटित होती है, हुई? वन अर्ली मॉर्निंग, एक दिन प्रातः जल्दी, द क्लर्जी मैन एंड हिज वाइफ, पादरी और उसकी पत्नी जिनका नाम मिसेज हॉल है, हर नॉइज ऑफ मनी बीइंग टेकन, पैसे चुरने की यानी कि पैसे निकलने की आवाज या खनखनाहट सुनाई थी, फ्रॉम द ड्रॉर, उनकी दराज से, बट नो वन कुड बी सीन देयर, लेकिन वहां कोई दिखाई नहीं दे सका। इवन समवन हैज टेकन इट अवे फ्रॉम द डेस्क, यहां तक कि उन्होंने ऐसा भी देखा कि कोई उस पैसे को लेके जा चुका है। इट वॉज अ मिस्ट्री, ये सच में एक रहस्य था।